हेलो एवरीवन, यू आर वेलकम टू बेस्ट नोट्स ट्यूटोरियल। और हम आज बात कर रहे हैं कि जो आपका स्क्रीनिंग का टेस्ट है उसे किस तरह से तैयारी करनी है। बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि इसकी तैयारी का जो हमारा शेड्यूल होना चाहिए वो किस तरह से होना चाहिए। तो सबसे पहले जब हम शेड्यूल की बात करें तो हमारे पास कुछ चीज़ें हमें क्लियर होनी चाहिए माइंड में कि कुछ है आपके माइनर टॉपिक्स और कुछ हैं आपके मेजर टॉपिक्स, जो बड़े टॉपिक हैं जिनमें आपको काफ़ी दिन की प्रैक्टिस चाहिए। क्योंकि एक बार में पढ़ के आपको हिस्ट्री तो याद होगी नहीं या जियोग्राफी याद नहीं होगी। कई सारे ज़्यादा से ज़्यादा जो अभी एस्पायरेंट्स हैं जो तैयारी कर रहे हैं साइंस से वो बिलोंग करते हैं और उन्हें अचानक से क्या करना है आपके ये सारे टॉपिक्स करने हैं जो उन्होंने कभी यूजुअली बहुत पहले पढ़े होंगे, कोई टच में नहीं होता है। तो मैं आप लोगों को तैयारी का एक बात बता दूं कि होता ये है कि सभी को सभी सब्जेक्ट वैसे आते हैं, सभी लोग इन्हें पढ़ सकते हैं, लेकिन एक चीज़ होती है वोकैब। किसी भी पर्टिकुलर, जैसे सपोज कीजिए कि आप मैथ्स के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो आपको मैथ्स इसलिए ईजी लगती है क्योंकि आपने अभी पिछले 10 सालों से सिर्फ मैथ्स ही पढ़ा है या उससे रिलेटेड चीज़ें पढ़ी है। तो आपकी जो वोकैब है मैथ्स की उसे आपका जो माइंड है उसे बहुत अच्छे से क्या कर लेता है, ग्रैब कर लेता है। तो इसलिए माइंड की बात करें तो उन चीज़ों को ही ग्रैब करेगा जिसके रिलेटेड वोकैबलरी उसमें सबसे ज़्यादा होती है। आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ, अंडरस्टैंडिंग क्या चीज़ है। अगर मैं आप लोगों को एक कहानी हिंदी में सुनाऊं, एक कोई सी स्टोरी आपको मैंने क्या की हिंदी में सुनाई, तो आप लोगों को वो स्टोरी क्या होगी बहुत अच्छे से याद हो जाएगी। ठीक है, एक ही बार आपने सुना सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। अगर आपने इंग्लिश बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ी है या इंग्लिश आपकी वीक है तो मैं इंग्लिश में अगर कोई स्टोरी सुनाऊँ तो वो आपको याद नहीं होगी क्योंकि उसकी वोकैब ही नहीं है, उसके शब्द ही दिमाग में नहीं है। और इससे ज़्यादा बढ़ के अगर मैं चैलेंज ले लूँ तो मैं आपको एक चाइनीज़ में एक स्टोरी सुना देता हूँ, ना तो आपको उसमें मज़ा आने वाला है और ना ही आपको उसमें कुछ नाम भी याद नहीं रहेंगे आपको। ओके, मतलब जो डिपेंड कर रहा है ना कि जो आपकी लैंग्वेज जो जितनी स्ट्रॉन्ग है, जिस फील्ड की आपके रिलेटेड स्टोरी है उसका क्या होगा, आपको इंटरेस्ट भी आएगा और उसकी चीज़ें आपको याद भी होंगी। जैसे कोई साइंस का स्टूडेंट है तो उसे मैं साइंस की चीज़ें बताऊँगा तो वो बोलेगा कि अच्छा ये सारी चीज़ें क्या है, उसके लिए बहुत बेसिक चीज़ें हैं, या उसे इंटरेस्ट आएगा उसे पढ़ने में, वो डिस्कस करना चाहेगा उन चीज़ों को। और जो आर्ट्स का स्टूडेंट है उसे साइंस वाली जो चीज़ें हैं उसे उतनी ज़्यादा पसंद नहीं आती हैं। तो मैं ये कहूँगा कि सारा जो गेम है वो है आपका वोकैब का, या हम कहें शब्दों का, कि जो हमारे ब्रेन में पहले से फिट है। तो अब हमारा चैलेंज है कि अगर मैं साइंस स्टूडेंट हूँ तो अब मुझे ये जो वोकैबलरी करनी है, ये वोकैबलरी कैसे मैं अपने माइंड में सेट करूँगा। या अगर आप आर्ट साइड से बिलोंग करते हैं तो क्योंकि साइंस तो बेसिक आएगा, वो आप सभी लोगों ने पढ़ा होता है, यूजुअली समझ में आ जाता है, इंटरेस्ट आ जाता है उसमें, लेकिन साइंस वालों के लिए ज़्यादा टफ मैं मानता हूँ, है ना। आर्ट्स वालों ने तो ऑलरेडी ये सारी चीज़ें वो कर रहे होते हैं। अब चलिए बात करते हैं कि किस तरह से हमें, और एक तो पहला ये थॉट आपके माइंड में होना चाहिए कि आपका जो टारगेट है वो क्या है, शब्द है। आप जितने ज़्यादा शब्द एक उसका कर लेंगे एक टॉपिक का, आपको उतना ज़्यादा याद हो जाएगा। जैसे कि जब मैं तैयारी करा रहा हूँ तो मेरा जो फोकस होता है, आप लोग देखते होंगे कि जो मेरे साथ अभी तैयारी कर रहे हैं स्क्रीनिंग की, उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा जो वर्ड्स होते हैं उन्हें बार बार उन्हें रिपीट करता हूँ और एक सीरीज़ बनाने की कोशिश करता हूँ, और यूजुअली उस सीरीज़ को मैं एक स्टोरी में ढालने की कोशिश करता हूँ। जब वो स्टोरी में हो जाते हैं तब उसके बाद मैं आपको उसके बारे में फैक्ट्स बताता हूँ, क्योंकि अगर आपके पास में कुछ वर्ड्स ही नहीं हैं, आपके दिमाग में उससे रिलेटेड कोई स्टोरी नहीं है, तो आपको उससे रिलेटेड जो फैक्ट्स हैं आप कितनी बार पढ़ लीजिए, आपको वो चीज़ें याद बहुत मुश्किल से होंगी। तो पहली चीज़ तो ये हो गई। अब दूसरी चीज़ जो है ये समझना ज़रूरी है कि हम जब किसी चीज़ को पढ़ें, अगर हमने कोई चीज़ स्टडी की है तो अगर उसका रिविज़न नहीं हुआ, ठीक है, हमने सिर्फ उसे एक दो या 10 बार भी पढ़ा है, लेकिन अगर मैं उसका रिवीजन शेड्यूल नहीं बना पाया अपनी तैयारी के लिए तो सारी चीज़ें क्या होंगी। अगर आप 100% पढ़ेंगे तो तैयारी के टाइम में 3 महीने बाद आपका जो एजुकेशनल हिस्ट्री होगा वो आपके जो ब्रेन में है वो 50% से भी कम रह जाएगा, अगर आपने बहुत अच्छे से भी पढ़ा है तो। हमारा जो मोटिव होता है वो ये होता है कि हम रिविज़न करते रहें, रिविज़न सेशन भी इसके बाद में हम करेंगे, और
इसमें ये होना चाहिए कि जो आपने 100% पढ़ा हो कम से कम आपके माइंड में 80% तो रहना चाहिए, तब आप कंपटीशन की तैयारी अच्छी मानकर चल सकते हैं। तो उसके लिए क्या है कि मैंने थोड़ा सा इसे कैटेगराइज करने की कोशिश की है, जो आपका पूरा सिलेबस है उसे आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए। कुछ टॉपिक हैं आपके माइनर टॉपिक। माइनर का मतलब ये नहीं है कि उसमें जैसे आप एजुकेशनल हिस्ट्री या टीचिंग एप्टीट्यूड वगैरह देखेंगे तो इससे आपके रिलेटेड 40 मार्क्स का है, तो हम इसे छोटा टॉपिक तो नहीं बोल सकते, लेकिन कहीं ना कहीं इसका जो मैटर है वो आपका अगर आप 15 पेज में करना चाहें तो आप 15 पेज में बहुत अच्छे से इसका पूरा मैटर इकट्ठा कर सकते हैं। ऑलराइट, आपका ये टॉपिक का क्लियर हो जाएगा, उसमें काफ़ी आ जाएगा। टीचिंग एप्टीट्यूड आपका फैक्ट वाइज नहीं होता, ये आपकी समझने की चीज़ है। ओके, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि इसमें किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, तो टीचिंग एप्टीट्यूड, एप्टीट्यूड का मतलब है कि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है उस फील्ड की बहुत अच्छी होनी चाहिए, यही एप्टीट्यूड का मतलब है। ठीक है, दृष्टिकोण, आपके सोचने का तरीका क्या है उसमें, तो टीचिंग एप्टीट्यूड आपका समझने वाली चीज़ है, यहाँ पर आप लोगों को रटना कुछ नहीं होता है। ओके, उसके बाद आता है जैसे कॉन्स्टिट्यूशन, तो कॉन्स्टिट्यूशन भी आप लोग ये देख लीजिए कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो 20 पेज में आप पूरा अच्छे से, जो जैसे मैंने आप लोगों को जो पीडीएफ दी है क्लास में, तो उस पीडीएफ में आपने देखा होगा कि नियरली आपके कितने पेजेस हैं, जो 20 पेजेस होंगे, जो 20 पेजेस में आपका नियरली जो कॉन्स्टिट्यूशन है उससे रिलेटेड हमने सारे जितने इम्पोर्टेंट अनुच्छेद हैं वो हम कर चुके हैं, बस हमें उन्हें रटना है। अब उसके बाद हम कंप्यूटर करने वाले हैं अभी कुछ दिन में, और मैथ्स जो है ये आपका प्रैक्टिस का है, आप इसे चाहिए 10 मिनट कीजिए, लेकिन आपको ये डेली 3 महीने तक करना पड़ेगा। क्यों और इसका रीज़न क्या है, उसके रीज़न का, इसके पीछे का रीज़न ये है कि मैथ्स सिर्फ प्रैक्टिस का गेम है, वहाँ आप फार्मूले रट लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, अगर आपको फार्मूला याद भी है तो आप उसे सॉल्व नहीं कर पाएंगे टाइमली, तो इसलिए आपको ये प्रैक्टिस की चीज़ है, इसे आपको पूरे 3 महीने करते रहना पड़ेगा प्रैक्टिस, लेकिन आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग मैथ्स की बनानी पड़ेगी और बन भी जाएगी, छोड़ना सोल्यूशन नहीं है। अगर आपका मैथ्स थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगा अभी 15-20 दिन, तो उसके बाद क्या होगा कि हम रीजनिंग पर फोकस कर सकते हैं, क्योंकि मैथ्स रीजनिंग से डायरेक्ट आपका कनेक्टेड है। तो इस तरह से आप शेड्यूल बनाते हैं, आपको समझ में आ गया होगा। ये चीज़ें हैं आपकी, इतनी चीज़ें जो आप क्या मान के चलेंगे कि सबसे पहले इन्हें आप फिनिश कर दीजिए। क्यों फिनिश कर दीजिए, क्योंकि आपका 15-20 दिन में ये फिनिश हो गए, ठीक है, ये जो टॉपिक्स हैं ये आपके फिनिश हो गए। अब आप क्या करेंगे, इनको डाल देंगे रिवीजन मोड पे। अब आपको इनको, जो ये टॉपिक्स हैं, ये अल्टरनेट डेज में आपको ये रिवीजन करते रहना है इनको, या आप इसके लिए एक घंटा पूरा, एक घंटा आप क्या करेंगे, 1 आवर इसके लिए, फिर 15-20 दिन के बाद में आप स्पेयर कर देंगे, सारी चीज़ें आप एक घंटे में निपटा देंगे। अब दूसरा पार्ट आ जाता है, दूसरा पार्ट, और ये पार्ट आपका क्या है, बहुत आपका थोड़ा सा बड़ा पार्ट है, इसमें ये वाला भी आपका थोड़ा छोटा पार्ट है, इनको भी कर लेंगे हम, लेकिन इसके बाद में क्या है आपके, ये पार्ट 1 और 2, ये पार्ट आपको कॉन्टिन्यूस पढ़ने हैं, इसलिए फर्स्ट डे से ही मैंने उत्तराखंड के काफ़ी सारी चीज़ें, अभी हम हिस्ट्री कर चुके हैं, अब उसके बाद हम जियोग्राफी करेंगे। हिस्ट्री में अभी 2-3 जो चैप्टर हैं वो कर रह चुके हैं, क्योंकि हम डिटेल में कर रहे हैं सारी चीज़ें और साथ ही साथ याद भी कर रहे हैं। अब आ जाता है बात हिस्ट्री की, हिस्ट्री में क्या होगा कि अब आपको पूरी स्टोरी टाइप आपको समझना है, उसकी वोकैबुलरी सारी चीज़ें करनी है, और साथ ही साथ हम जियोग्राफी को करेंगे, तो इन दोनों चीज़ों को हम साथ चला रहे हैं। ये जो है ऑलरेडी आप लोगों का इसके साथ में हो जाएगा अभी, तो जब ये 3-4 चीज़ें, एक ये हो गया आपका उत्तराखंड कम्प्लीट हो जाएगा आपका, ओके, हिस्ट्री हो जाएगा और जियोग्राफी हो जाएगा, तो आपका पूरा एक महीने में इतना पोर्शन आपका पूरा कम्प्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपको पूरा जो फोकस करना है वो 3 चीज़ों में करना है, हिस्ट्री, जियोग्राफी और साइंस में। तो तब आपको क्या चाहिए होंगे, कम से कम 3 घंटे इसके लिए चाहिए, 3 आवर्स अच्छे से तैयारी के लिए इसमें चाहिए, 3 से 4 घंटे, और 1 घंटा जो है वो आपको इसमें लगाना है। तो ये आपका शेड्यूल होना चाहिए। ऑलराइट, अभी से आपको बहुत ही अच्छी एक रणनीति बनानी है, अच्छे से आपको करना है इसको। जब आप इस तरह से तैयारी करेंगे तो डेफिनेटली आप लोगों को बाद में आपको हौच-पौच नहीं होगा कि अरे मैं हिस्ट्री पढ़ूं या साइंस पढ़ूं या उत्तराखंड पढ़ूं, मैं क्या पढ़ूं, इसी तरह के क्वेश्चन आप लोग मुझे पूछ रहे हैं। तो आप लोगों के लिए फर्स्ट, अब मैं क्लियर बता देता हूँ आप लोगों को यहाँ पे थोड़ा साफ करके, आपको ये आपको 15-20 दिन में करना है इसे नोट्स के साथ में। अगर आप मेरे साथ कर रहे हैं तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हम ये सारी चीज़ें ही फोकस कर रहे हैं अभी, और उसके साथ हम उत्तराखंड जो है, उत्तराखंड के कुछ टॉपिक हम कर चुके हैं, और जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री की मैंने आप लोगों को टाइमलाइन दे दी है, टाइमलाइन आपको रटते रहनी है, अभी आपके पास 5-7 दिन और हैं। ऑलराइट,
उसके बाद हम हिस्ट्री को टोटल करेंगे। हिस्ट्री आपको और ज्योग्राफी आपको बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से मैं आपको पढ़ाऊँगा, आप लोगों को बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। चाहे आप साइंस के स्टूडेंट क्यों नहीं हैं, आप लोगों को लगेगा नहीं कि हमने हिस्ट्री कभी इस तरह से देखी थी या ज्योग्राफी इस तरह से हम पढ़ेंगे। तो ये दो चीज़ें तो हो गई आपकी, हो जाएंगी अभी 15 दिन में। आप लोगों को सभी को यही करना है, फिर इसको हम रिवीजन सेशन में डाल देंगे 1 आवर, या इसके लिए हम स्पेशल 30 मिनट्स डाल देंगे। आप इसमें रिवीजन करते रहेंगे और ये जो 2-3 चीज़ें हैं आपकी, ये हम फाइनली इसको क्या कर लेंगे, इसके लिए हमें 3 से 4 घंटे हमें स्टडी करनी है। कैसे करनी है वो आप लोगों को उसके साथ साथ में, वीडियो के साथ साथ में वो मिल जाएगा। लेकिन जो लोग मेरे साथ अभी जुड़े नहीं हैं या कोई सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तो उनके लिए सजेशन यही है कि आप लोग पहले ये कीजिए, इन्हें रिवीजन सेशन में डालिए और फिर फाइनली जो ये पोर्शन है आपका, इस पोर्शन को आप बहुत डीपली कीजिए। क्योंकि क्वेश्चन आपके किसी भी पार्ट से अगर 1 नंबर का क्वेश्चन भी आता है तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सिलेक्शन के लिए 1 नंबर भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो होपफुली कि आपको पूरा शेड्यूल समझ में आया होगा। आप लोगों को के लिए शुभकामनाएं, बहुत अच्छे से तैयारी कीजिए। और तैयारी अगर हम करते हैं तो कहीं भी सिलेक्शन ना हो ये क्वेश्चन उठता ही नहीं है। बहुत अच्छे से रणनीति के साथ में तैयारी कीजिए। आप सभी को शुभकामनाएं, मिलते हैं अगले वीडियो में।